लेकिन इस मशीन में चार गियर मिलेंगे, एक तो रिवर्स वाला गियर मिलेगा और एक तीन यानी स्पीड फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। सर किसान भाई, मैं आपका दोस्त मनीष जाट और आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाई, आज हमारे कोटा एग्री एक्सपो के अंदर और जैसा कि आप ये बूर की बास्केट मॉडल मल्टीक्रॉप थ्रेसर देख पा रहे हैं, इसके बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को लाल बटन दबाकर फ्री में सब्सक्राइब करें और वीडियो में अंत तक बने रहे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला। देखिए किसान भाई, अगर सबसे पहले अगर इसकी एलिवेटर की बात करें तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वाला जो सिस्टम है इसके माध्यम से आप सीधा ट्रॉली के अंदर भी ले सकते हैं और यहाँ पर अपना कट्टा वट्टा बोरी बोरी लगाकर इसके अंदर लेना चाहते हैं उसके अंदर भी ले सकते हैं। और जैसे आप ये अगली तरफ आते हैं तो जैसे कि ये आप फैन देख पा रहे हैं, तो किसान भाई ये फैन आपको मुख्य फसल को जो आप सफाई करने के लिए काम में आएगा, क्योंकि जो भी अगर आपकी फसल में हल्का फुल्का कचरा रहा तो इधर से हवा फेंकेगा तो वो बिल्कुल ही साफ कर देगा। और किसान भाई जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसकी यहाँ से डिजाइन देखिए, यहाँ ऐसा नहीं है कि कुछ फसल इसके अंदर आपका अनाज वनाज रुक जाएगा, वो किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या इसके अंदर नहीं आएगी। और जैसे हम मशीन की अगली तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर एक टूल बॉक्स देखने को मिलता है, इसके अंदर आप अपने ग्रीस कैन पाने वाने सभी प्रकार के औजार रख सकते हैं। और किसान भाई जैसे ही अगली तरफ आती है तो ये हैंडल दिया हुआ है, इनके फैनों के पर्दे को आप बहुत ही आसानी के साथ ऊपर नीचे इसके माध्यम से कर सकते हैं। और जैसा ही आप ये देख पा रहे हैं तो ये आपको अगर बारीक फसल है तो हवा कम रखनी है, अगर आप चने गेहूं की फसल निकाल रहे हैं तो उसको सफाई के लिए इसकी हवा ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन जितनी बारीक हल्की फसल होगी उसके अंदर आपको हवा कम रखना है। और जैसे ही आप ये देख पा रहे हैं कि फसल बचती है लास्ट के अंदर मशीन चलाने के बाद, तो इसके अंदर डालकर आप वापस ग्रेडिंग कर सकते हैं या बड़ी कंबाइनों का जो माल रहता है उसे इसमें भी डालकर ग्रेडिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको एक सीढ़ी दी है, ऊपर आप अपने जाल वाल चेंज करोगे तो वो भी बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे हम अगली तरफ आते हैं तो आपको यहाँ पर व्हील दिया हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और ये एक वाला ये जो सिस्टम है ये आपकी जाल को ऊपर नीचे करने के लिए काम में आएगा। और ये एक इसको जो भी चालने के ऊपर माल आता है उसको ज़्यादा लाना है कम करना, वो भी इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। और यहाँ पर एक खिड़की दी हुई है तो आप अपने चालने पर किस तरह माल आ रहा है वो भी देख सकते हो। और जैसे ही हम अगली तरफ आते हैं तो जैसे कि आप ये पुलियाँ देख पा रहे हैं, तो इनके माध्यम से आप अपने ड्रम की रोटर के आरपीएम बहुत ही आसानी के साथ सेट कर सकते हैं। और देखिए कि किसान भाई यहाँ पर एक अलग से पुली दी हुई है जो कि आप देख पा रहे हैं वहाँ से आ रही है, और फिर यहाँ पर ये अंदर से एक सापट यानी रोड डाल दी है अलग से, जो कि आपके चालने पर माल इकट्ठा होने नहीं देगी। जब भी आप गीला माल निकालते हो तो चालना चौक होने जैसी समस्या आती है, लेकिन इसमें वो किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और जैसे ही आप देख पा रहे हैं तो आपको इस मशीन में 9/16 के टायर मिलेंगे। और जैसे ही हम इसके पीछे डोली की तरफ आते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं तो डोली की हाइट भी ना तो ज़्यादा है और ना ही कम है, जिनसे कि आपके मजदूर लेबर जो भी काम करेगी उनको माल डालने के लिए बहुत ही आसानी रहेगी। और किसान भाई सबसे मेन जो आपको दूसरी थ्रेसरों में बहुत ही कम देखने को मिलेगा, रिवर्स फॉरवर्ड वाला गियर जो आप ये सिस्टम देख पा रहे हैं, आपको बार बार आरपीएम सेट करने की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर जो मशीनें आती है तो उसको बेल्टों के माध्यम से मशीन को मल्टी स्पीड पर चलाते हैं, लेकिन इस मशीन में चार गियर मिलेंगे, एक तो रिवर्स वाला गियर मिलेगा और एक तीन यानी स्पीड फर्स्ट सेकंड थर्ड आप अपनी इच्छा अनुसार चला सकते हैं। आमतौर पर मशीनों पर आरपीएम बढ़ाने के लिए बेल्टों का इस्तेमाल, पुलियाँ चेंज करो तो उसमें किसान भाई को बहुत ही ज़्यादा समय जाता है, लेकिन इस हैंडल के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ इसे मल्टी स्पीड पर चला सकते हैं। और किसान भाई जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये कंघे टाइप में नकुली प्रकार के दांते हैं, जिससे कि आप जो भी अपनी फसल निकालोगे जैसे कि बाजरा हुआ, अपनी ज्वार की चाचड़ियाँ हुई, तो उसमें क्या है कि बहुत सारी मशीनों में दिक्कत आती है कि वो फसल अंदर नहीं जाती है, लेकिन ये जो कंघियाँ वो लगी वो भी बहुत ही आसानी के साथ जाएगी। और सबसे मेन महत्वपूर्ण, जब भी आप हल्का फुल्का गीला माल निकालोगे तो इन कंघियों के दांते की वजह से भी वो बहुत ही आसानी के साथ अंदर चला जाएगा। तो आप ये वाला हैंडल देख पा रहे हैं, सबसे मेन ये हैंडल उन किसान भाई को जब काम में आता है, जब आप गीला माल निकालते हो, ड्रम चौक हो रहा है, मजदूर लेबर माल ज़्यादा डाल रही है, आपको लगता है कि ट्रैक्टर पर लोड पड़ रहा है, ड्रम चौक हो रहा है, ज़्यादा माल जा रहा है, तो इस हैंडल के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ वापिस इसे अपनी डोली में ले सकते हैं, वो वापिस रिटर्न ड्रम में जाएगा और चालने में से आपके एलिवेटर तक चल जाएगा, यानी कि ट्रैक्टर दबने जैसी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो मैंने बताया कि ट्रैक्टर पर लोड नहीं पड़ेगा, तो अब बात करें कि किसान भाई कितने एचपी ट्रैक्टर पर यह मशीन चलेगी, तो आपको बता दें कि इस मशीन को चलाने के लिए आपके पास कम से कम 35 अबव ट्रैक्टर होना जरूरी है। और जैसे ही किसान भाई हम इसकी तरफ आते हैं तो यहाँ पर
आपको एक लाइट वाइट की सुविधा भी कंपनी ने दे रखी है, जिससे कि आप जब भी रात को किसी भी समय काम करोगे तो वो बहुत आसानी के साथ कर सकते हो। और जैसे हम इसकी अगली तरफ आते हैं तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको यहाँ पर सेकंड व्हील मिलेगा। किसान भाइयों, मैंने बताया था कि उस तरफ भी आपको ये इस प्रकार का नट बोल्ट वाला सिस्टम मिलेगा, तो ये इस तरफ भी है। जब भी आप अपने जाल और ब्लेडों की दूरी करोगे तो उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आप ही जानते हो सरसों के अंदर कम रहेगा, आप चने की फसल निकालते हो, गेहूँ निकालते हो, उसमें डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, जिससे कि दाना फोड़ने जैसे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जैसा कि आप ये पेन देख पा रहे हो, यानी एक पेन, दो पेन, तीन पेन और एक चार, यानी मशीन में चार पेन है। तो जैसा कि आप ये पेन देख पा रहे हो, तो इसको आप अपनी इच्छा अनुसार खोल भी सकते हो, बंद भी कर सकते हो। जैसे कि आप मान लो कि जीरा निकाल रहे हो, तो जीरा क्या है कि हल्की फसल रहती है, अगर हवा ज़्यादा है, मशीन को स्पीड से चला रहे हो तो उड़ाने जैसी दिक्कत तो आएगी। अगर आपको लगता है, आप इसे चेक करते हो, आपको लगता है कि हल्का फुल्का दाना जा रहा है, तो इसे बहुत ही आसानी के साथ आप बंद कर सकते हो। और ये जो वाला फिल्टर वाला सिस्टम है, ये आपका दाना फिर बाहर नहीं जाएगा, वो भूसे के साथ जो भी दाना उड़ेगा वो वापस ड्रम के अंदर जाएगा और वापस अपने चालने वालने पर आ जाएगा। यानी आप मान लो कि दाने उड़ाने जैसी समस्या भी किसी प्रकार नहीं आएगी। और किसान भाई, जैसे कि ये एक पेन है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हवा कम ज़्यादा करने का सिस्टम दे रखा है। जैसे कि मैंने बताया था कि जीरे में हवा कम रखना है, अपनी चने की फसल निकालते हो तो उसके अंदर डंठलियाँ ज़्यादा आती है, तो उसमें आपको हवा ज़्यादा रखनी है, और आप भूसे को ज़्यादा दूर गिराना चाहते हो या नज़दीक गिराना चाहते हो तो इसके माध्यम से कर सकते हो। यहाँ पर ये प्लेट का सिस्टम, जैसे कि आप देख रहे हो 63 प्लेट, यानी इसको भी आप अपनी इच्छानुसार एडजस्ट कर सकते हैं कि डिस्टेंस कम रखना है या ज़्यादा रखना है। और जैसे ये एक वाला जो ये फिल्टर वाला जो सिस्टम आता है, तो इसके अंदर अगर आपकी वो जो भी कचरा वचरा आता है तो उसके अंदर आपको लगता है कि हल्का फुल्का दाना भी आ रहा है, तो इसको आप अपने इच्छानुसार एडजस्ट कर सकते हो। ये इसके अंदर जाएगा और वो वापस डोली से ड्रम के अंदर वापस अपने चालने पर माल आ जाएगा। और किसान भाई, जैसे हम अगली तरफ आते हैं, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं सिंगल बेल्ट के अंदर आपको यहाँ पर 4 पुलियाँ मिलती है, जिसके माध्यम से आप अपने फैन के RPM सेट कर सकते हो। मैंने पहले भी बताया था आपको कि हल्की फसल है तो उसके अंदर हवा कम रहेगी, अगर मोटी फसल है जैसे कि आप चना निकालते हो, गेहूँ निकालते हो, तो उसके अंदर हवा ज़्यादा रहेगी, तो आप इनके माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हो। ये जो ऊपर वाली जो ये पुलियाँ हैं ना, ये पुलियाँ ये केवल आपके फंके के RPM के लिए, ना कि मशीन के RPM के लिए। सही, अगली तरफ आते हैं तो यहाँ पर जो आपका ट्रैक्टर का जोड़ने का जो सिस्टम रहता है, उसे भी आप अपनी इच्छानुसार एडजस्ट कर सकते हो। किसी ट्रैक्टर में ऊँचा रहता है, किसी में छोटा रहता है, तो आप अपनी इच्छानुसार इसे एडजस्ट कर सकते हो। किसान भाई, मैंने मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी, अब बात करें कि ये फसल कौन कौन सी निकाल देगी, तो आपको बता दें कि ये मूंगफली और चावल को छोड़कर भारत में जितने भी प्रकार की लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल देगी। अगर इसके ड्रम साइज की बात करें तो 42x42 इसका ड्रम साइज है। किसान भाई, मैंने मशीन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी, अब आपको बताते हैं कि यह मशीन आपको किस प्रकार मिलेगी। जैसे कि आप देख पा रहे हैं अग्रवाल एजेंसी कोटा रोड केगरी अजमेर, जो कि राजस्थान अजमेर के अंदर स्थित है। अगर आप इनसे संपर्क करना चाहते हैं तो जैसा कि आप ये आप इनका विजिटिंग कार्ड देख पा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इन नंबरों पर कॉल करके इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। तो किसान भाई, आशा करते हैं कि ये शानदार वीडियो आपको पसंद आएगा, तो फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान, जय किसान।